नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के परिवार संरक्षण सप्ताह में आप सबका स्वागत है। परिवार, इन चार अक्षरों में इंसान की पूरी दुनिया समाई है। परिवार की सलामती के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं, उन्हें पैसों की तंगी ना हो इसलिए पूंजी निवेश करते हैं, जीवन बीमा करवाते हैं, मोहल्ले सोसाइटी घर में उनकी सुरक्षा के लिए कैमराज लगवाते हैं, घर में काम करने वालों से लेकर ड्राइवर वॉचमैन सब पर कड़ी नजर रखते हैं, बच्चों को भी मोबाइल फोन देते हैं ताकि किसी भी मुश्किल में वो हम तक पहुंच सके। लेकिन इस सब के बावजूद दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो हमारा परिवार आज कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है, न घर में न घर के बाहर। अरे हाँ यार, वो क्यूट सा लड़का पता आज भी मुझे घूर रहा था। पर यार, वो कितना भी क्यूट क्यों ना हो, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। आईएएस जो बनना, और भैया भाभी से प्रॉमिस भी तो किया है ना। अरे ये टीवी क्यों नहीं चल रही है बहू, पानी ला जरा, दवा खानी है। ये लड़की भी ना एक ना एक दिन हार्ट अटैक करा के रहेगी। अच्छा सुना, हे भगवान, मामा का कॉल आ रहा है, तो रुका मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। हाँ माँ। अर्पिता कहाँ है तू, वक्त देखा है कितना बज रहा है। अरे माँ बस आ गई, आगे कॉलोनी के गेट पे हूँ। ठीक है ठीक है, फटाफट आ जा, वो 5 मिनट में आ रही है। और वो तुम्हारा लेट लतीफ पति कहाँ है? माँ उनको आज ऑफिस में लेट हो जाएगा। हाँ बोल। तो उन लड़कों ने तुम्हें छुआ, पर रेप तो नहीं किया? मेरा मतलब कहां कहां छुआ? मोलेस्टेशन ही तो हुआ है, रेप तो नहीं। 90% मोलेस्टेशन की घटनाओं में सबसे पहले पीड़ित को यही कहा जाता है। प्रशासन भी मोलेस्टेशन को गंभीरता से नहीं लेता है, और ना ही औरतें इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती हैं। और यही लापरवाह नजरिया कारण है कि हमारे देश में मोलेस्टेशन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम मोलेस्टेशन की तरफ अपने नजरिए को बदलें, क्योंकि समाज का यह दुष्कर्म पीड़ित के लिए जीवन भर का सदमा है। और पिछले कई सालों में तो मोलेस्टेशन कारण बना है खून और आत्महत्या की घटनाओं का भी। एक मिनट, ये क्या तरीका है बात करने का? अगर सवाल पूछनी है तो ढंग के पूछे। देखिए मैडम, हमें हमारा काम करने दीजिए। रुको, सही कह रही है। शाबाश। यस मैम। आई एम सॉरी, आई नो जो तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम बहुत डर गई हो, लेकिन हमारा उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी और लड़की के साथ ये दोबारा ना कर सके, और इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कितने लोग थे, एक या एक से ज्यादा? मैम मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं, बहुत सारे हाथ थे, मुझे हर जगह छू रहे थे। मैंने कहा था ना जल्दी वापस आना घर, और लेट तक घूम। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम उनमें से किसी को पहचान सकती हो क्या, कुछ ऐसा जो तुमने देखा उनके बारे में? तीसरा किस्सा हो गया, हद हो गई। आपके घर में और कौन कौन है? ये आपका बेटा है? जी मेरा भाई का बेटा है, कॉलेज में पढ़ता है।
यही रहता है? नहीं, हॉस्टल में रहता है, छुट्टी में आता है कभी। अर्पिता, ठीक ठीक हो ना? भैया, अर्पिता मैं हूँ, सब सब ठीक हो जाए। मैम पहले दो बार भी ऐसा हो चुका है, आप लोग क्या कर रहे हैं? वो गुनेगार वहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। और मैम देखिए, आपको हमारी कॉलोनी की लड़कियों की इतनी चिंता है तो जाइए ना, पकड़ के लेके आइए। देखिए, सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होती है। हम यहाँ तैनात थे 3 महीने, तब कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों से कहा था कि सिक्योरिटी में आप भी हमारी मदद करिए, फेंसेस लगवाइए, सीसीटीवी कैमरास लगवाइए। किया आप लोगों ने? देखिए मैम, मैम आप जैसा कहेंगे हम सब वैसे ही करेंगे, लेकिन प्लीज इस बार ये मोलेस्टर्स बचने नहीं चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी, पूरे कॉलोनी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और बेटा स्पेशली हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी और याद आए तो हमें तुरंत बताइएगा। आप लोगों में से किसी ने कुछ सुना या देखा? नहीं। कमाल है, एक लड़की आपके मोहल्ले में जोर से चीखती है चिल्लाती और सोसाइटी के 50 घरों में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मैम हमने सोचा बच्चे हैं, शरारत कर रहे होंगे। शरारत? ये आप लोगों के मोहल्ले में तीसरा इंसिडेंट है और फिर भी आप लोग चौंकने नहीं। लगता है आप लोगों को अपनी बच्चों की परवाह ही नहीं। अगर आप में से किसी को कुछ याद आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। पिछले 2 केसेस में और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, कुछ पता चला? मैम तीनों विक्टिम्स को ज्यादा कुछ याद नहीं है। सेकंड विक्टिम पूजा के मुताबिक वो 2 मोलेस्टर्स थे, लेकिन अर्पिता के हिसाब से वो 2 से ज्यादा थे। अर्पिता काफी हिली हुई है। ये ऐसे केसेस इतने सेंसिटिव होते हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि विक्टिम अपना दिमाग ही बंद कर देता है, उस तकलीफ देने वाली चीजों को याद ही नहीं करना चाहता। लेकिन मैम इस केसेस में मोटिव क्या हो सकता है? आई मीन कपड़े फाड़े गए लेकिन रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ। अगर उनकी लेवल तक गिर के देखो ना, तो हो सकता है मजे के लिए किया, आगे जाने की हिम्मत ना हो, या ये भी हो सकता है कि इस बात का डर हो कि ये जीता जागता मोहल्ला है, कोई भी आ सकता है। तो अलग बात है कि जीते अपने लिए लोग। चलो बहुत डर गई है तो नींद की दवाई देकर उसे सुला दिया। श्रेया बेटा तुम दोनों घर चली जाओ, ठीक है? मम्मी जी आज हम यहीं रुक जाते हैं। मुझे पुलिस वालों पे कोई भरोसा नहीं, ये हमारी कॉलोनी, हमारा परिवार है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमको ही लेनी होगी। आज से हम में से कोई ना कोई फ्रंट और बैक गेट को गार्ड करेगा। लेकिन ऐसा कब तक कर पाएंगे? वो तो करना पड़ेगा। इतना टाइम किसके पास है? अरे टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा, इनकी जगह आपकी बेटी होती तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अरे ठीक बात है, चुप हो जाओ यार, ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। और इस कॉलोनी की सभी बच्चियां हमारी बेटियों के जैसी हैं, और ये कॉलोनी नहीं एक परिवार है, इसलिए हम सब आपस में मिलजुल कर बारी बारी से पहरा देंगे। आखिरकार सारे मोहल्ले वालों ने एक परिवार की तरह एकजुट होकर सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और रात में बारी बारी से चौकीदारी करने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद परिया जितना लेट। हाँ भैया, वो हमारा बास्केटबॉल का मैच है ना, तो उसकी प्रैक्टिस थी। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जाना, सब ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, डरना मत। चल चल।
देखो मैं जानती हूँ तुम पेन में हो, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालना ही होगा। कल रात जब तुमने उनका पीछा किया, क्या तुम उनकी शक्ल देख पाए? बहुत अंधेरा था वहाँ पे, मैं भागा उनके पीछे पर मैं पकड़ नहीं पाया, वो झाड़ियों में कहीं जाके छुप गए। अचानक से मेरे सर पे किसी ने मार दिया, मैं बेहोश हो गया, मुझे दो मिनट तक समझ में नहीं आया कुछ। मैंने मना किया था कि ये पहरेदारी वहरेदारी मत करो, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। मैडम मेरे बच्चे को आराम करने दीजिए, आप जाइए प्लीज। देखिए। अरे नहीं माँ, ये चीज ज्यादा जरूरी है। मैम मैं उन मॉलेस्टर्स को पकड़ने के लिए आपकी पूरी मदद करूंगा, आप प्लीज उनको पकड़िए। सर मैं बहुत डर गई थी, जैसे ही वो आवाज हुई मैं भागी और तभी किसी ने मुझे पीछे से आके पकड़ा। मैं बहुत घबरा गई और चिल्लाई भी, तभी वहाँ पे शुभ भैया आ गए और वो दोनों भाग गए। देखो बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, यू आर अ ब्रेव गर्ल। ओके मैम, कॉलोनी के फ्रंट और बैक दोनों गेट पे सिक्योरिटीज है और पीछे वाली दीवार पे कांच भी लगवा दिए। मुझे लग रहा है ना ये कहीं अंदर का ही जॉब है, ये मोलेस्टर्स इसी कॉलोनी में से कोई है। मैम क्या हो रहा है, ये चौथा केस हो गया। मैम चौथा केस हो गया और आप लोगों ने क्या किया? सीसीटीवी लगाने को कहा था ना। वो मैम आप मैडम जी बस लगने वाला है, वो कॉस्ट पे डिस्कशन चल रहा है। हद हो गई। मैम आपसे एक बात कहनी थी, वो कल रात को जब मैंने उन मोलेस्टर्स को बात करते सुना था तो मुझे लगा कि उनकी आवाज जानी पहचानी है, मैं जानता हूँ उनको, पहले कभी सुनी ऐसा लगा मुझे। हमें भी यही लग रहा है कि ये मोलेस्टर जरूर इसी कॉलोनी के हैं, इसलिए मुझे कॉलोनी के सारे लोगों की डिटेल्स चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, आइए प्लीज। मैम उस कॉलोनी के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा था, ये उसी की फुटेज है। प्ले करो। मोलेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं क्या उसमें? नहीं मैम, शायद उन्हें पता था कि वहां पर कैमरा लगा है इसलिए शायद बच के निकल गए। लेकिन मैम ये देखिए। ये कौन है? मैम ललिता शर्मा का बेटा है, ये दोनों उसी कॉलोनी में रहते हैं। उसी समय में ऐसी हालत में शायद कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कॉन्फिडेंटली वापस आया है मोहल्ले में ये सोचकर कि शायद कोई उससे पूछताछ ही नहीं करेगा। चल पूछना पड़ेगा उसे। मेरा बेटा? आप मेरे बेटे पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं मैम, ये कॉलोनी हमारे परिवार की तरह है, 20 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पर, और 3 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तब इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे और मेरे बेटे को, तो वो ऐसा क्यों करेगा? बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन अगर आपके बेटे ने कुछ किया नहीं तो आप घबरा क्यों रही हैं? उसे बुलाइए, मुझे बात करनी है उसे। तन्मय में, राइट? क्या तुम मुझे बता सकते हो तन्मय कि जिस रात शोभर परी पे अटैक हुआ तुम कहाँ थे? मैं दोस्त के घर था। दोस्त के घर मस्ती करने? जी। तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जी हाँ हमारी लड़ाई हुई थी। लड़ाई? जब आपका बेटा घर आया इस हालत में तुम, आपको शॉक नहीं लगा? जी मैम मैं उस रात घर पर नहीं थी, मैं शुभ के यहाँ गई थी, उसके सर पर बहुत चोट लगी थी, उसकी माँ और मैं बहुत करीब हैं और साथ साथ में सत्संग भी जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो मैम मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं पता चल जाएगा अपने दोस्त को, क्या नाम बताया था तुमने इसका? विकी। उसको जरा फोन लगा। मैम अभी ट्यूशन में होगा। जहाँ भी होगा फोन लगा उसे अभी। स्पीकर पे विकी। हाँ कौन? मैं इंस्पेक्टर नैना सिंह बोल रही हूँ, तुमसे कुछ सवाल पूछने। जी मैम। तुम परसों की रात कहाँ थे? घर पे था मैं। अकेले? नहीं मैम, तन्मय भी साथ में ही था। तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था क्या? हाँ मैम, सॉरी मैम, पर वो तो ऐसी छोटी मोटी बहस थी, प्लीज आप ये बात मेरी मम्मी पापा को मत बताना। ठीक है, थैंक यू। अगर और सवाल हो गए तो हम वापस आएंगे।
सर वो वीना है ना काम वाली, ये उसी का बेटा होगा। पूरा दिन यहाँ वहाँ ताका झांकी करता रहता है, उसका क्या काम है इस कॉलोनी में। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? 40 साल का जवान, शादी नहीं की उसने, कॉलोनी की किसी भी औरत को जाता देखकर अपने कपड़े उतार कर खड़ा हो जाता है। बड़ा ही बेशरम आदमी। और ये सब मैंने ही नहीं, कॉलोनी के बहुत से लोगों ने देखा है। आप चाहें तो पूछ लो। थैंक यू। इतने सारे नाम? हाँ मैम, इन सभी के नाम सामने आए, लेकिन हर आदमी किसी तीसरे आदमी पर इल्जाम लगा रहा है। ऐसे केसेस में ना किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई सामने आता है। या तो ये पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश होती है या लाइमलाइट में आने की कोशिश होती है। लेकिन कोई सस्पेक्ट्स निकल के आए कि नहीं? यस मैम। मैम कामवाली का बेटा राजा, लोगों ने इसे ताकझाक करते हुए देखा था, और कॉलोनी में रहने वाला बैचलर हर्ष, इसके अजीब बिहेवियर से लोगों को इस पे भी शक है। और मुझे अभी तक इस तन्मय पे भी शक है। एक काम करो, तुम इन दोनों से पहले पूछताछ करके आओ, पता तो चले क्या पता लगता है इनसे। ओके मैम। हाँ झांकता हूँ मैं, ऐसा कहाँ लिखा कि ऐसा नहीं कर सकते। चुप कर, क्या बोल रहा है तू? कितनी बार तुझे मैंने मना किया है, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। सर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसे तो सिर्फ बड़े लोगों की जिंदगी पसंद है और वही जिंदगी ये जीना चाहता है। इसने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा बहुत सीधा है, वो जानता है कि यही उसकी असली जिंदगी है, बड़े लोगों की जिंदगी से सिर्फ उसको लगाव है। जिस दिन कॉलोनी में मोलेस्टेशन हुआ उस वक्त कहाँ था आपका ये सीधा साधा बेटा? सर मैं तो घर पे ही था, बोलना माँ। कौन दिखा दे रहा? इतना महंगा फोन कहाँ से आया तेरे पास? सर मैंने सेकंड हैंड लिया है। सर ये कह रहा है कि सेकंड हैंड लिया है तो सेकंड हैंड ही लिया होगा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम हमेशा बिना कपड़ों के बाहर खड़े रहते हो, स्पेशली जब लड़कियां वहां से गुजरती हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा साहब, मेरा घर है, मैं कभी कभी टॉवल के साथ बाहर चला जाता हूँ, इसमें दूसरों का प्रॉब्लम है, मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। अब किसी को परेशानी है तो अपनी आंखें बंद कर ले। और जब ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस वक्त कहाँ थे? इतना किसको याद रहे? देखिए याद नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर याद करने के दूसरे तरीके आजमाओ। उस रात मैं घर पर ही था और जाऊंगा भी कहाँ, मेरा कोई अपना है नहीं जो किसी के घर जाऊं। अरे एक एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? इसे नहीं देख सकते, आपके पास सर्च वारंट नहीं है। और साहब क्या आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तुम्हें हमारे समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी मुलाकात होगी वो भी सर्च वारंट के साथ। चलो सचिन कच्चा चिट्ठा निकालो इसका, मुझे लग रहा है हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जी सर। ओहो नहीं नहीं रोते नहीं, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, क्या हुआ मेरे राजू बेटे को? हाँ छिया। हाँ अल्लाह और अल्लाह तड़ तो रहा प्लीज। हाँ शुभ सो जा क्यों इतना रो रहे हैं? और मेरा राजा बेटा रोया नहीं करते। हाँ सो जा सो जा। छोड़िए बॉडी को छोड़िए, प्लीज प्लीज छोड़िए, बॉडी को छोड़िए, आइए छोड़िए, आइए छोड़िए।
अब लोग पीछे हटिए। आस पास देखकर लग रहा है कि पूरी फैमिली के फिंगरप्रिंट होंगे। डेफिनेटली। फिर भी बॉडी को अच्छे से चेक करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास भी देखो कोई और सुराग मिलता है। ओके मैम। देखो तुम्हारी पत्नी के साथ जो है उसके लिए बहुत अफसोस है हमें। शायद समय सही नहीं है लेकिन सवाल बहुत जरूरी है। क्या तुम हमारे सवालों का जवाब दे सकोगे? तुमने आखिरी बार अपनी बीवी को कब देखा था? कल रात को यहीं पे मैं पेनकिलर्स खा के सो गया तो हमारा बच्चा रोहन ये जोर जोर से रोने लगा। श्रेया उसे लेके नीचे चली गई, उसी वक्त आखिरी बार देखा था। तो तुमने उसकी चीख नहीं सुनी? पेनकिलर्स का असर इतना गहरा था कि मैं बहुत गहरी नींद में था। मैंने पेनकिलर्स भी नहीं खाई होती तो आज मैं जिंदा हूँ। आपकी बच्ची आपके पास आने वाली थी? जी हाँ, कल रात को आने वाली थी पर नहीं आई। काश कि मैंने उसे कल फोर्स किया होता मेरे बच्चे। आप यहाँ किसी के साथ आई हैं? जी हाँ, मेरे ट्रेनर हैं। इन्हें के साइड पे बिठाओ और पानी पिलाओ। ये बार-बार कल रात की बात कर रही हैं। हाँ मैम, और बार-बार शो पर भी इल्जाम लगा रही हैं। इनके बीच डेफिनेटली कुछ हुआ है, मगर क्या? तुम्हें क्राइम सीन से कुछ मिला? नहीं मैम, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मर्डर चाकू से हुआ है। बॉडी पे बहुत सारे चाकू के घाव भी हैं, लेकिन मैम जिस तरह से विक्टिम के कपड़े फाड़े गए सेम मोलेस्टेशन केस में उन लड़कियों के फाड़े गए थे। हो सकता है ये काम मोलेस्टर्स का ही हो, या ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है मैम, क्योंकि मोलेस्टर मर्डर तक क्यों पहुंचेगी? पहुंचने के लिए पहुंच भी सकता है, शुभ से बदला लेने के लिए। आखिर परसों शुभ ने पकड़ने की कोशिश की थी ना उन्हें। इस केस को फास्ट फॉरवर्ड पे डालो, अगर वो मॉलेस्टर्स उसी मोहल्ले के हैं तो वो मोहल्ले वाले अभी भी खतरे में। हमें जल्द से जल्द पता लगवाना है कि मॉलेस्टेशन और मर्डर में कनेक्शन है या नहीं। सबको पकड़ना जरूरी है जल्द। तब तक तुम ऐसा करो कि तुम आसपास पूछो किसी ने कुछ देखा तो नहीं कल रात का स्पेशल। ओके मैम। पहले मॉलेस्टेशन फिर मर्डर। कहने को तो विकास एनक्लेव सोसाइटी एक सेफ सोसाइटी थी, सब लोग एक घर परिवार की तरह से रहते थे, लेकिन ये घर का भेदी कौन था? का बेटा राजा और हर्ष, इन दोनों में से हर्ष के पास ज्यादा मोटिव लग रहा है। मैं पिछले 5 सालों से इसी कॉलोनी में रह रहा है, अकेला है, हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो। पिछली कॉलोनी से इसे इसलिए निकाला गया क्योंकि वहां इसके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था, लेकिन चार्ज साबित नहीं हो पाया। इसे देख के तो लगता है कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट यही है, लेकिन हम बाकी दोनों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन तीनों का प्रोफाइल ना हमारे प्रोफाइलर के पास भेजो, हमें इनको समझना बहुत जरूरी है। इनमें से कौन है जो केपेबल है मोलेस्टर से मर्डर तक जाने के लिए? और वैसे भी विक्टिम ने कहा था 2 या 3 विक्टिम्स है ना? मैम अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से 2 विक्टिम्स हैं। तो हो सकता है इन तीनों में से कोई आपस में कनेक्टेड हो। ऐसा कोई कनेक्शन है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैम क्योंकि हमारे पास अब सस्पेक्ट की लिस्ट है, मुझे लगता है कि विक्टिम्स को हमें सस्पेक्ट की फोटो दिखानी चाहिए। हो सकता है कि फोटो देख के उन्हें कुछ याद आ जाए। गुड आइडिया, गाड़ी निकालो। ओके मैम। तेरी लड़ाई मुझसे थी, मेरे से बेइज्जती। मेरे शेर है क्या बिगाड़ा तेरा बोल? क्यों मारा तूने उसको? चलो
दिमाग खराब हो गया तेरा? कौन उल्टी सीधी बातें बता रहा तुझे? अरे सब जानता हूँ तेरे बारे में मैं। कितना सीजन लाया तू? 40 साल का हो गया, जवानी कहीं गई नहीं अभी तक। नहीं गई। ऐसा था और ऐसा ही रहूंगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अगर ऐसा रहना है तो ये मोहल्ला छोड़ दो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पुलिस का हर जगह मौजूद होना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी कहाँ जाती है? आज जब हमारा मोहल्ला, हमारे पड़ोसी हमारे मूल परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो फिर इस बड़े परिवार की सुरक्षा का जिम्मा भी तो परिवार वालों को ही उठाना चाहिए। लेकिन सतर्क रहने का मतलब सजा देना नहीं। अपने परिवार का ध्यान रखें, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। तुम्हारी कॉलोनी वालों का गुस्सा जायज लग रहा है मुझे। हमने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाली है, 5 साल पहले भी एक मॉलेस्टेशन का चार्ज, और अब ये। सबकी तरह आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। 5 साल पहले जो हुआ उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूं मैं। मेरी एक दोस्त थी जिसे मैं पसंद करता था, और उसकी बातों से लगता था जैसे वो भी मुझे पसंद करती है। अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं उससे दूर रहता। उस छोटी सी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैम। पता नहीं शुभ मेरा नाम क्यों ले रहा है। ठीक है, हमें शायद और पूछताछ करनी पड़ेगी तुमसे। शहर में ही रहना, टीम को तैनात रख, चारों तरफ सब पे नजर, स्पेशली हर्ष के घर के बाहर। गुस्से से भरी कॉलोनी है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम लोग एक और क्राइम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने टीम को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया। गुड। और ये इनका क्या हुआ जो लड़कियों को हमें फोटोग्राफ दिखानी थी? मैम, उन तीनों विक्टिम्स को कह दिया है कि हम फोटोग्राफ्स लेकर आ रहे हैं। तीनों विक्टिम तो चार थे ना, चौथी का क्या हुआ? मैम, एक इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गई है, मैंने उसे फोटोग्राफ्स फैक्स कर दिए, जल्दी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। चलो लड़कियों से मिलते हैं। बेटा, हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं। मैं चाहती हूँ आप इन्हें ध्यान से देखो और बताओ कि क्या इनमें से किसी ने आप पर अटैक किया है। बेटा, हम 24 घंटे सब पर नजर रखें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते हम जाएंगे नहीं। तो आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देखकर मुझे बताओ। परी, मैम हर्ष अंकल तो नहीं थे, वो तो लंबे है ना। इन दोनों में से कोई? शायद इन दोनों में से ही कोई एक था। तुम श्योर नहीं? थैंक यू। घबराने की जरूरत नहीं है, इन तस्वीरों को अच्छे से देखो और बताओ क्या इनमें से कोई था। याद नहीं है मैम, शायद इन दोनों में से कोई एक है। मैम, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, और मैं अब उस रात को याद भी नहीं करना चाहती। देखो, मैं जानती तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? कोशिश करो, कुछ बताना चाहते हो? गुस्सा तो आएगा ही ना सर, क्योंकि उन सालों ने मेरी बहन अर्पिता और मेरी भाभी श्रेया दोनों के साथ। सर, आप कैसे भी करके उन लोगों को पकड़ लो सर। मोलेस्टेशन, ये शब्द अपने आप में ही इतना घिनौना है जिसे बयां करना बहुत मुश्किल है। तो जरा सोचिए, जो लोग इस मोलेस्टेशन का शिकार होते हैं उनके दिल और दिमाग पर कैसा असर होता होगा। ऐसे समय में पीड़ित के परिवार के लोगों, यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों को भी उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, और इस मुश्किल समय में उनके साथ रहना चाहिए। मम्मी, चेतन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके दिल में काफी गुस्सा है फैमिली के लिए। अभी तक हम ना क्रिमिनल को बाहर ही ढूंढ रहे हैं, फैमिली पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक काम करो, तुम फैमिली की सारी हिस्ट्री निकालो, स्पेशली इस चेतन की। क्या उसके पास नाराज होने का कोई रीजन था कि वो मर्डर कर सके, मोलेस्टेशन कर सके? मैं, मर्डर तो समझ में आता है, लेकिन मोलेस्टेशन, वो भी कजन के साथ? भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये दोनों केसेस जुड़े भी ना हो, मोलेस्टेशन की आड़ में ये मर्डर किया गया।
चार मोलेस्टेशन के केसेस, एक खून और अब एक आत्महत्या। 40 साल के हर्ष ने अपने गले में फांसी का फंदा खुद डाला था, लेकिन दोषी ठहराया था शुभ को। लेकिन क्या हर्ष का इल्जाम सही था या फिर शुभ को फंसाने की एक साजिश? सच चाहे जो भी था, लेकिन एक बात तो तय थी कि इस आत्महत्या ने पुलिस की तहकीकात को और भी पेचीदा बना दिया था। हर्ष के सुसाइड नोट की बिना पर पुलिस ने शुभ को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। मोलेस्टेशन के तीनों मुख्य आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी थी और बचे थे दो, तन्मय और राजा। अब बड़ा सवाल यह था कि इन दोनों में से असली गुनहगार कौन था? क्या मोलेस्टेशन और खून का अपराधी कोई एक ही था या फिर ये दो अलग अलग लोग थे? और तभी पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिससे उनकी तहकीकात को एक नई दिशा मिल गई। अजीब बात है ना, जब कॉलोनी में श्रेया का मर्डर हुआ और जब मोलेस्टेशन हुआ, दोनों ही वक्त तुम अपनी आंटी के घर थे। सर, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हर क्रिमिनल यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पता है तुम्हारे हॉस्टल के दोस्तों ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि तुम शुभ पर बहुत गुस्सा थे। कहीं गुस्से में आकर तुमने शुभ की पत्नी का मर्डर तो नहीं किया? माना कि मैं गुस्सा था क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बंद हो गई थी। फिर ये सोच के मान लेता था कि जितना शुभ भैया ने मेरे लिए किया, शायद उतना कोई नहीं करता। तुम्हारी बातें सुनकर विश्वास तो नहीं होता, क्योंकि जब जब कॉलोनी में क्राइम हुआ है तुम आसपास नजर आए। जानता हूँ सर, मेरी बातों पे यकीन करना आसान नहीं। सर, मैं वहाँ पे तभी जाता जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। पिछले 8 महीने से मेरा आना जाना बढ़ गया था क्योंकि शुभ भैया ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उनकी दोबारा शादी हो चुकी थी। शुभ ने दोबारा शादी की थी? उसकी पहली बीवी का क्या नाम है? मॉम के घर लौट रहा हूँ। इस घर में मैं से रहा नहीं जाता, हर जगह श्रेया की यादें हैं। आई अंडरस्टैंड। मुझे ये बताओ, तुमने पहले श्रेया से शादी की, फिर उसे डिवोर्स दिया, और फिर से तुमने उसी से शादी की, क्यों? मैम, एक्चुअली जब हमने पहली बार शादी की तो हमारे बीच में बहुत एडजस्टमेंट इशू थे। आप समझ सकते हैं, हम दोनों ही इमेच्योर थे, छोटे थे। श्रेया की फैमिली में सिर्फ वो और उसकी माँ थी, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, इसलिए वो हमारी पूरी फैमिली में कभी एडजस्ट कर नहीं पाई, तो डिवोर्स लेना पड़ा। और फिर से शादी? डिवोर्स लेने के बाद हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना भी उतना ही मुश्किल था। मेरी मॉम ने कहा कि एक काम करो, उससे शादी करके दोबारा कर लेगा, लेकिन अलग घर में, ताकि हमें थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सके। इसलिए मैंने इसी कॉलोनी में एक घर रेंट पे ले लिया और रहने लगे। काश हम लोग सब साथ में रह रहे होते तो ये सब कभी नहीं होता और श्रेया आज जिंदा हो। मैम, अगर सॉल्यूशन इतना ही सिंपल था तो फिर इसे डाइवोर्स की जरूरत क्यों थी? नागर, दिखाया जो जाए ना, जरूरी नहीं वही सच हो। ये शुभ की साइड की स्टोरी है, लेकिन तुम्हें याद है उस दिन श्रेया की माँ कितना बुरा भला कह रही थी इन सबको? मुझे लगता है हमें श्रेया की माँ से मिलना चाहिए। सर, मैंने श्रेया को बहुत मना किया था वापस शादी करने के लिए। वो लोग सिर्फ अच्छे होने का नाटक करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे नहीं है। और वो माधुरी ऊपर से ना सिर्फ अच्छी बनने का नाटक करती है, अंदर से कुछ और है वो। जब उन्हें पता चला कि श्रेया प्रेग्नेंट है तो हाथ पैर जोड़ने लगे, वापस शादी करने के लिए उसे फोर्स करने लगे। मैंने श्रेया से कहा था कि ये लोग सिर्फ पोते पोते के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी ना? जी हाँ। कमाल है, घर में उसकी एक भी तस्वीर नहीं। जब उसने दोबारा शादी कर ली तो मैंने उसकी सारी तस्वीर हटा दी। बहुत गुस्सा थी तुम अपनी बेटी से, इतना गुस्सा कि तुम अपनी। मैम, क्या मतलब है आपका? मतलब तो तुम निकाल रही हो, मैंने तो अपना सवाल भी पूरा नहीं किया। मैम, आपको मेरी बेटी का कातिल इस घर में नहीं, उसके ससुराल में मिलेगा। देखिए मैडम, संगीता एक बहुत ही चालाक औरत है, वो आपको अपनी बातों में गोल गोल घुमा रही है। उसे ना तो अपनी बेटी की फिक्र थी और ना ही अपने नाती की, उसे तो बस एक ही शौक था, अपने बुढ़ापे को जवानी में बदलने की। कमाल है, वो भी आप लोगों के बारे में कुछ ऐसा ही कह रही थी। इनफैक्ट उसने तो ये कहा कि तुमने श्रेया से दोबारा इसलिए शादी की क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, राइट? ऑब्वियसली बच्चा इंपॉर्टेंट था, और ऐसा नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। हमने बस ये फैसला लिया कि हम अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देंगे, और इसीलिए हमने दोबारा शादी करने का फैसला लिया। लेकिन मम्मी जी इस फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट थी। क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि डिवोर्स के बाद मैं श्रेया को एलिमनी दे रहा था और अमाउंट काफी बड़ा था। मम्मी जी की लाइफ स्टाइल काफी बदल गई, और अगर मेरी शादी श्रेया के साथ दोबारा हो जाती तो एलिमनी के पैसे आने बंद हो जाते, इसलिए। देखा ना मैडम आपने, उसे 55 साल की है वो, लेकिन कपड़े ऐसा पहनती है जैसे 20 साल की हो, न जाने कहाँ कहाँ जाती थी। और दरअसल इन दोनों की शादी से वो खुश नहीं थी, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। आप
आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? आप एलमनी के पैसों के लिए मुझे घर पर बुलाना चाहती है? देखिए माँ, मैं शुभ से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। और हाँ, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, और अगर आपको मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं है ना, तो मुझसे दूर रहिएगा। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे कुछ काम है। क्योंकि उसे पैसे जो मिलने बंद हो गए थे। अच्छा, ये श्रेया और उसकी माँ, इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा था? माँ बेटी जैसे ही था सर। अच्छा, इनकी लाइफस्टाइल हमेशा से ऐसी रही है? नहीं सर, श्रेया के डिवोर्स के बाद संगीता की लाइफस्टाइल अचानक से बदल गई। अलमिनी के पैसे जो आने लगे, उससे पहले तो उसके लेट पति की इनकम से ही काम चला रही थी। हमेशा से हाउसवाइफ जो थी। सर बहुत चालू है वो, उसका ना चक्कर चल रहा है। वो जिम का ट्रेनर है ना, उसके साथ पूरा दिन घूमती रहती। सब कहते हैं पहले तो बेटी के डिवोर्स की एलिमनी पे ऐश कर रही थी, और अब हर क्रेडिट कार्ड कंपनी के बिल उसके सर पे हैं, और यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ उसके पैसे के लिए है। मैम, मर्डर करने का मोटिव संगीता और उसके जिम ट्रेनर, इन दोनों के पास था। मैम, फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से प्रूफ हो गया है कि जिस दिन श्रेया का मर्डर हुआ उसकी लोकेशन आसपास की थी, लेकिन बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन मैम, एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या लड़कियों के मोलेस्टेशन करने में भी उसका हाथ हो सकता है? हो सकता है दोनों केसेस ही सेपरेट हो। बाकी का पता तभी चलेगा जब हम उस बॉडी बिल्डर को क्वेश्चन करेंगे। मुझे लगता है हमें अपना किलर मिल गया। ले आओ उसे। ओके मैम। सर ये सब बकवास है सर, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। ए, झूठ बोलने की कोशिश मत कर, समझा? तेरे और संगीता के फोन रिकॉर्ड है हमारे पास, तुम्हारे बीच में जो मैसेज एक्सचेंज होते सब पता है हमें। हम दोनों के बीच अफेयर जैसा कुछ भी नहीं था सर, उसकी कुछ नीड्स थी जो मैं पूरी कर रहा था सर। बस तुम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लड़कियों को मोलेस्ट कर रहे थे। जब मोलेस्टेशंस हुए थे तुम कहाँ थे? श्रेया की डेथ के वक्त तुम कहाँ थे? मैडम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसे ना जरा पुलिस के बादाम खिलाओ। तो हमारे पास तुम्हारे ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स हैं, हमें पता है कि तुम श्रेया के घर के पास ही थे उसके मर्डर के वक्त। हाँ मैम, मैं वहाँ गया था, पर मैं श्रेया को पिकअप करने गया था, वो उसकी माँ के घर आने वाली थी उस रात। पिकअप करने गए, पिकअप किया उसे? नहीं मैडम, संगीता जी का मुझे फोन आ गया था। हाँ संगीता जी, अच्छा लाना नहीं है? ओके मैं आता हूँ। कन्वीनियंटली उसके बाद तुम्हारा फोन भी बंद हो गया। मैडम मेरे मोबाइल की बैटरी वैसे ही 10% थी और थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो गई। मैं उस रात संगीता जी के साथ ही था और उनके पास मेरे मोबाइल का चार्जर भी नहीं था। आप एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए। हाँ है वो मेरा बॉयफ्रेंड, और अगर मैंने अपनी बेटी के पैसे यूज किए तो क्या गलत किया? बेटे ही थी ना मेरे। तुमने अपनी बेटी को लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था उस रात? हाँ। 9 बजे? हाँ मैंने उससे भेजा था, लेकिन जब श्रेया ने मना कर दिया तो मैंने धर्म से कहा वापस आ जाने की। और रात भर कहाँ रहा ये धर्म? मेरे साथ। किस किताब में लिखा है मैम कि एक 55 साल की औरत अपनी लाइफ अपने तौर तरीके से नहीं जी सकती? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? मैम आप भी एक औरत है, बताइए ना। मैं लोगों से ना और पूछताछ करनी पड़ेगी, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। सब एक दूसरे के लिए कवर कर रहे हैं। मैडम मेरा बेटा बुरा नहीं है, पता नहीं किसी के संगत में आकर उसने ये किया। क्या है ये सब, तुम्हें मिला कहाँ से? वो मसाले के डिब्बे में, संदूक पे, गाड़ी के नीचे, तकिए के नीचे, पता नहीं मैडम उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? वो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, 2 बार ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, अब सख्ती अपनानी पड़ेगी मुझे। सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से हम सख्त नहीं हो रहे, क्योंकि वो खुद हमारे पास आई थी। यहाँ देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हारा मॉलेस्टेशन से, मर्डर से क्या कनेक्शन है, बोलो। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लैकमेल किया। किसको ब्लैकमेल किया तुमने? उन लड़कों को जिन्होंने लड़कियों को छेड़ा, और मैंने देखा उन्हें। लड़कियों को छेड़ना, मॉलेस्ट करना, इन सब की शुरुआत तूने की थी ना? बोलेगा? नहीं सर, तन्मय ने। नहीं मैम, ये सब विक्की ने शुरू किया। उसी ने मुझे कहा था कि कॉलोनी में लड़कियां छेड़ना आसान होगा, और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि बचपन से उसी कॉलोनी में रह रहा है। सर मजे के लिए। तुम्हारे इस मजे के चक्कर में 4 लड़कियों को जिंदगी भर का सदमा दिया। हिम्मत कैसी हुई तेरी ये सब करने की? शर्माती है तुम जैसे लोगों को देश का फ्यूचर कहते हो।
जैसे तुम मजाक मस्ती कह रहे हो ना, वो एक जुर्म है। ये लड़कियों को छेड़ना, टेक्स्ट मैसेजेस भेजना, मोलेस्टेशन करना, सब एक जुर्म होता है, इंसानियत और कानून दोनों की नजरों में। तुम लोगों की एक मिनट की मस्ती और लड़कियों के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाती है वो। और जब शुभ ने तुम्हारे मजे रोकने की कोशिश की, फिर गुस्से में आकर तुमने शुभ के सिर पे मारा और फिर उसकी पत्नी का खून किया, राइट? नहीं, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैंने शुभ भैया को नहीं मारा, वो तो मेरे पीछे पागलों की तरह चलाते हुए भाग रहे थे, पर अचानक से बीच में रुक गए और फिर अरे तो ना भाई, यही रहना साथ। मैम, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा। मैंने उनके साथ कुछ किया भी नहीं था मैम। मैडम मैडम, ये आप लोग ठीक नहीं कर रही हैं। ये तुम लोग तो ज्यादा ही चालक निकले। सारी प्लानिंग तुम लोगों ने की और सस्पेक्ट्स बने कोई और। वाह, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अपने ही बेटे को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? सॉरी, मैं मोलेस्टेशन के केस हो रहे थे और उसकी आड़ में तूने अपनी बीवी को मारा। मैं बताता हूँ ना सर, मैं शेहर को नहीं मारना चाहता था सर। सर, पर मेरी माँ ने कहा कि बस एक ही तरीका है, या तो मैं अपनी माँ को चुनूँ या श्रेया को। बच्चा होने तक उसे अपने साथ रखेंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो किसी तरह से उससे पीछा छुड़ा लेंगे और बच्चे को अपने पास रख लेंगे। तो मेरी माँ ने मुझसे जैसे बोला मैंने वैसा ही किया। उस दिन से नफरत हो गई थी मुझे अपने आप से, घिन आने लगी थी मुझे। मेरे प्यार, मेरी पत्नी, मेरी श्रेया को मार डाला। शुभ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? I'm sorry. काश कि तुमने मुझे ये करने पे मजबूर नहीं किया होता। सॉरी क्यों? बहुत गलत किया है सर, तो माफी मांगने के लायक भी नहीं है सर। बहुत गलत किया सर। कैसा प्यार है तुम्हारा, जिसने तुम्हारी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैडम, मेरी गलती नहीं थी, गलती उस श्रेया की थी। जब से शादी होकर के आई थी, मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती थी, मुझसे अलग करना चाहती थी। मैंने अपने बेटे को इतना जद्दोजहद से पाल पोस कर बड़ा किया और उस महारानी को एहसान किया। क्या तुमने अपने बेटे पर एहसान किया है? अपने बेटे को तुमने मोहरा बना दिया और उसी से उसकी पत्नी का खून करवा दिया और नतीजा क्या हुआ? हाँ, अब तुम्हारा बेटा सड़ेगा जेल में जिंदगी भर के लिए, और तुम भी। और तुमने ये सब पोते के लिए भी किया था ना, और अब वही पोता जिंदगी भर रहेगा माँ बाप के प्यार के बिना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। आप चाहे अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहनों, बच्चों से कितना भी प्यार क्यों ना करते, लेकिन आपका प्यार दूसरों की घुटन का कारण नहीं बनना चाहिए। रिश्तों की नींव मोह से नहीं, विश्वास से मजबूत होगी। इसलिए रिश्तों की मर्यादा को समझें, उन रिश्तों को बांटना सीखें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चलकर यही घुटन फांसी का फंदा बन सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ। मोलेस्टेशन केस के दोनों मुजरिमों तन्मय और विकी को भी जुवेनाइल जेल में भेज दिया गया। लेकिन क्या ऐसे केसेस में सिर्फ जेल काफी होती है? इसके साथ साथ जरूरी होती है एजुकेशन, क्योंकि मोलेस्टेशन केसेस में अक्सर सोसाइटी और अथॉरिटीज सेंसिटिविटी नहीं दिखाते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।